Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello everyone, previous session में हमने देखा कि हम EV machine में checkpoint firewall को कैसे install कर सकते हैं. इस session में हम सीखेंगे कि हम EVE मशीन में विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें लॉगिन करना होगा अपनी EVE मशीन पर विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. तो ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर को. ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहां पर टाइप करना होगा EVE मशीन का IP एड्रेस. IP है 192.168.146.128. एंटर किया. यहाँ पर आपको एंटर करना होगा अपने EVE मशीन के क्रेडेंशियल. क्रेडेंशियल मीन्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो यूज़र नेम है हमारा एडमिन, पासवर्ड है ईव. साइन इन पे क्लिक किया. साइन इन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा. देन हमें क्लिक करना होगा इस फोल्डर पे, अप फोल्डर. तो ये मेरा फोल्डर आ गया जो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में यूज़ किया था. अब हम क्रिएट करेंगे एक और फोल्डर. तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ विंडोज़. ऐड फोल्डर पे क्लिक किया तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया. फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्लिक करना होगा इस फोल्डर पे. क्लिक करेंगे ऐड न्यू लैब ऑप्शन पे. यहाँ पे लैब का नाम देता हूँ विन 7. सेव पे क्लिक किया तो आपकी लैब ओपन होगी. जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड नोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ का ऑप्शन कोई भी हाईलाइट नहीं है. आप यहाँ पर विन टाइप करके भी देखेंगे तो ये ऑप्शन दोनों ही हैं आपके ग्रे आउट. पहले आपको ISO फाइल को प्लेस करना होगा अपने सिस्टम में, तभी आपके सामने ये ऑप्शन हाईलाइट होगा. तो इसको फिलहाल कर देते हैं क्लोज. क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे पुट्टी एप्लीकेशन को. यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा अपने EVE मशीन में. IP एड्रेस एंटर करेंगे 192.168.146.128. अपीयरेंस में जाके फ़ोन साइज़ को इंक्रीज कर लेंगे, 16 कर देते हैं. ओके पे क्लिक किया देन ओपन. लॉगिन नेम है हमारा रूट, एंटर किया. पासवर्ड है ईव, एंटर किया तो आपका लॉगिन हो गया. प्रेस करेंगे कंट्रोल एल की को. अब आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे. फोल्डर का नेम क्या होगा वो भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ. तो उसके लिए आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र में नेक्स्ट टैब को. टाइप करेंगे यहाँ पे EVE-NG को. फर्स्ट लिंक पे गए, देन आपको जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन टैब में. देन हम जाएंगे क्यूमू इमेज नेमिंग ऑप्शन पर. स्क्रॉल किया, प्रेस करेंगे कंट्रोल F और टाइप करेंगे विन. अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर का नाम रखना होगा विन माइनस. और अगर आप सर्वर की इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा विन सर्वर -, ठीक है. हार्ड डिस्क का नाम आपको रखना होगा HDA या VARTIOA, ठीक है. तो क्लियर हो गया आपको. तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज. वापस चलेंगे अपने पुट्टी एप्लीकेशन पे. फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी mkdir -v वर्बोज के लिए /opt/unitlab/addons/qmu. यहाँ पर आपको उस नाम से फोल्डर क्रिएट करना है. तो फोल्डर का नेम था win-. इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं. तो मैं नाम देता हूँ इसको 7 क्योंकि मैं विंडोज 7 इंस्टॉल करूँगा. एंटर किया, फोल्डर क्रिएट हो गया. क्रिएट होने के बाद आपको इस डायरेक्टरी में जाना होगा जो आपने क्रिएट की.
तो कमांड है आपकी cd/opt यूनिट लैब एडोन्स क्यूम्यू देन विन 7 एंटर किया, ls टाइप करेंगे तो अभी यहाँ पर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अब आपको इस डायरेक्टरी के अंदर विंडोज 7 के ISO इमेज को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे विन SCP एप्लीकेशन का, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ओपन करेंगे विन SCP को, यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने EVE मशीन का IP एड्रेस। तो IP है 192.168.146.128, यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड है ईव, लॉगिन पे क्लिक किया तो आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपका विंडोज 10 कंप्यूटर जो आपकी बेस मशीन है, और राइट हैंड साइड पर है आपका EVE मशीन का डेटा। सबसे पहले हमको जाना होगा रूट पार्टीशन पे, देन हम जाएंगे OPT नाम की डायरेक्टरी में OPT, देन आपको जाना होगा एडोन्स में, देन हम जाएंगे यूनिट लैब में एडोन्स क्यूम्यू, विंडोज 7 फोल्डर आ गया, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको विंडोज 7 का ISO करना होगा अपलोड, तो राइट क्लिक किया अपलोड, डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने देंगे, ओके पे क्लिक किया तो ये फाइल आपकी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद आपको इस फाइल को करना होगा रीनेम। तो रीनेम करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने पुट्टी एप्लीकेशन पे, टाइप करेंगे ls कमांड, तो win7.iso आ रहा है। फाइल को रीनेम करेंगे तो टाइप करेंगे mv कमांड स्पेस टैब की प्रेस की, फाइल नेम आ गया। देन आपको टाइप करना होगा cd-rom.iso, एंटर किया, ls कमांड को एग्जीक्यूट किया तो ये आपकी फाइल आ गई। फाइल का साइज चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ du कमांड, du स्पेस -h, du मींस डिस्क यूज्ड, -h मींस ह्यूमन रीडेबल। फाइल का नाम है cd-rom.iso, एंटर किया, फाइल का साइज है 5.5 GB। अब आपको क्रिएट करनी होगी एक हार्ड डिस्क, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी /opt/cmu/bin/cmu-img space create-f qcow2 space। हार्ड डिस्क का मैं नाम देता हूँ virtioa.qcow2 space। हार्ड डिस्क में क्रिएट करता हूँ 60 GB की, तो लिखा 60 capital G, देन एंटर। हार्ड डिस्क आपकी क्रिएट होगी, क्रिएट करने के बाद आपको लैब क्रिएट करनी होगी, तो वापस चलेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ क्लाउड, सेव पे क्लिक किया तो आपका क्लाउड आ गया। फिर से राइट क्लिक करेंगे, नोड पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा विन, तो ये आपका विंडोज़ नेम हाईलाइट हो गया, क्लिक किया तो जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है वो है विन 7 के नेम से, ठीक है। जो भी आप फोल्डर क्रिएट करेंगे वो नाम आपको यहाँ पर शो होगा। आइकन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप आइकन को चेंज कर सकते हैं, मैं इसका आइकन चेंज कर देता हूँ, स्क्रॉल किया, रैम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे 4 GB, स्क्रॉल किया, कंसोल रहेगा उसका VNC, सेव पे क्लिक किया। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करने के लिए आप इसे केबल को होल्ड करेंगे, ड्रैग करके सिस्टम पर छोड़ेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा। अब आपको इस मशीन को करना होगा स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करा स्टार्ट, तो आपका सिस्टम स्टार्ट हो गया, क्लिक करेंगे
क्लिक करना होगा आपको ओपन अल्ट्रा वीएनसी रैपर पर, तो ये आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कैंसिल। इंस्टॉलेशन का स्क्रीन आ गया, क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, इंस्टॉल नाउ, आई एक्सेप्ट पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, कस्टम ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव नज़र नहीं आती तो आपको जाना होगा लोड ड्राइवर ऑप्शन पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, देन आपको जाना होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बी पर, इसे सप्लिट करा। सप्लिट करने के बाद आपको जाना होगा स्टोरेज में, इसे भी करेंगे सप्लिट, देन 2003 R2, इसे भी करेंगे सप्लिट। देन आपकी विंडोज़ होगी 64 बिट, तो आपको सेलेक्ट करना है AMD 64। अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो आपको सेलेक्ट करना होगा X86। तो मेरी विंडोज़ है 64 बिट की, तो मैं सेलेक्ट करूँगा AMD 64। ओके पे क्लिक किया, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, हार्ड डिस्क आपको शो होगी, देन आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो आपकी विंडो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। विंडोज इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद आपको देना होगा यहाँ पे यूजर नेम, मैं यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर देता हूँ, देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। पासवर्ड में कोई भी एंटर नहीं करता, तो क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज़ को हम कर देते हैं अनचेक, नेक्स्ट पे क्लिक करा, आस्क मी लेटर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना टाइम जोन, नेक्स्ट। यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ वर्क नेटवर्क। विंडोज 7 लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद इसका टाइम जोन हमने सेट कर लिया था, इसका टाइम भी सेट कर लेते हैं, तो क्लिक करा, क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग ऑप्शन पे, चेंज डेट एंड टाइम, टाइम है 10:07 PM, ओके पे क्लिक किया, देन ओके, ठीक है। इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज, क्लोज करने के बाद आपको इसे करना होगा पावर ऑफ, तो राइट क्लिक किया, स्टॉप, तो ये मशीन आपकी पावर ऑफ होगी। पावर ऑफ होने के बाद आपको पुट्टी पर एक कमांड को रन करना होगा, ताकि आप इस विंडो 7 को EVENG लैब के अंदर यूज़ कर पाए। तो उसके लिए आपको जाना होगा लैब डिटेल ऑप्शन पे, इस आईडी को आपको करना होगा कॉपी, तो मैंने करा इसको कॉपी, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसका जो नंबर है, यानी कि जो मेरा नोड नंबर है वो है 1, लैब को क्लोज कर देते हैं। लैब क्लोज करने के बाद आपको जाना होगा एडमिन में, यहाँ पर आपको मिलेगी POD वैल्यू जो कि डिफ़ॉल्ट होती है 0। कैंसिल किया, ओपन करेंगे पुट्टी टर्मिनल को, यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, CD /OPT/UnitLab/TMP/, यहाँ पर आपको देना होगा POD नंबर, POD नंबर था 0/ लैब आईडी आपको पेस्ट करना होगा / देन हम यहाँ पर देंगे नोड आईडी थी हमारी 1/ देन एंटर किया। देन आपको कमिट करना होगा इस इमेज को, कमिट करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी /OPT/KMU/bin/KMU-IMG/commit, हार्ड डिस्क का नाम था VIRTIOA.KUKAO2, एंटर किया, तो यह आपकी हार्ड डिस्क कमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपका कमिट कंप्लीट हो जाएगा तो ये नेक्स्ट लाइन में एंटर कर जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप SCP पेज को ओपन करके यहाँ से जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको हार्ड डिस्क में साइज इंक्रीज होता नज़र आएगा। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे,
इमेज आपकी कमिट होगी, वेरीफाई करेंगे इसे एससीपी स्क्रीन से, तो राइट क्लिक किया, रिफ्रेश, इमेज आपकी क्रिएट हुई 14 GB की। फिर से चलते हैं अपने पुट्टी शेल पे, यहाँ पर हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ls, तो ये आपकी टेम्परेरी हार्ड डिस्क है जो कमिट होके आपकी मेन लोकेशन पे सेव होगी। अब आपको जाना होगा उसी लोकेशन पे जहाँ पे आपने हार्ड डिस्क को कमिट किया है। कमिट की लोकेशन आपको scp से मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे cd /opt/unitlab/addons/qemu/win7, दर एंटर किया, टाइप करेंगे ls कमांड, दोनों फाइल का साइज चेक कर लेते हैं, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे du /h/cd-rom, सेकेंड नेम टाइप किया, एंटर। तो cd-rom की फाइल का साइज है आपका 5.5 GB और आपकी हार्ड डिस्क क्रिएट हुई है 14 GB की। देन आपको यहाँ से cd-rom वाली फाइल को कर देना है डिलीट, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी rm -f फाइल का नेम, एंटर किया, फिर से टाइप करते हैं ls कमांड, देन मैं टाइप करूँगा यहाँ पे cd कमांड, कंट्रोल l की प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा हिस्ट्री कमांड को, और आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस कमांड का यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कमांड नंबर 27 से लेके कमांड नंबर 40 तक कमांड्स को यूज़ किया, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, ओके पे क्लिक किया, तो ये सेशन आपका क्लोज हो गया। इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश, तो आपकी सिंगल हार्ड ड्राइव रह गया, इसे भी यहाँ से कर देते हैं क्लोज, क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे, यहाँ पर क्लिक करा तो आपका एक फोल्डर अप हो गया। तो इस तरह से हम अपने EVE मशीन में इंस्टॉल करते हैं विंडोज 7 को। इसको यहाँ से कर देता हूँ साइन आउट। तो इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं अपने EVE मशीन में विंडोज़ को। जैसे मैंने विंडोज 7 को इंस्टॉल किया, आप सेम मेथड का यूज़ करके विंडोज 10 या विंडोज 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।